Hey guys, welcome back to another video. तो guys, आज की वीडियो एक तरह से पार्ट टू होने वाला है पिछली वीडियो का. पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे GTA 5 के इंट्रैक्शन में वो हैंडल करना है, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जो आपके काम आ सकते हैं. तो गाइज, आज की वीडियो में अपन कुछ दूसरी चीज़ें बताएंगे कि इसमें मिशंस कैसे करने और पैसे कैसे कमाने. इस पहले आपको क्या करना पड़ेगा पैसे कमाने के, तो आपको दबाना है एस्केप वाला बटन. एस्केप वाला बटन दबा के आप जा सकते हैं ऑनलाइन में. ऑनलाइन में जाना है आपको जॉब्स में. जॉब्स पे क्लिक करके आपको करना है प्ले जॉब. प्ले जॉब पे जाने के बाद आपको जाना है रॉकस्टार क्रिएटेड वाली पे. रॉकस्टार क्रिएटेड में आपको देखो कितने सारे मिशन दिखा देगा. ये सारे के सारे मिशन आप कर सकते हो. इसमें देखो मिशन वाला भी, ये सारे मिशन आप ट्राई करो, इसमें पैसा मिलेगा. बट मैं सजेस्ट करूंगा आप वो वाले मिशन करो जिसमें डबल पैसा ज्यादा मिलता है. तो गाइज, ये वाले जो मिशन दिख रहे हैं जिसमें 2x RP और 2x डॉलर्स मिलते हैं, आपको ये वाले मिशंस पहले करने हैं. इससे होगा क्या, आपकी जो आरपी है वो ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी, यानी कि आपका जो लेवल है ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा. लेवल जल्दी बढ़ेगा तो आपकी चीज़ें ज़्यादा अनलॉक होंगी, आपके मिशंस ज़्यादा अनलॉक होंगे. तो आप ये वाले मिशन ज़्यादा करो. बाकी ये सारे के सारे मिशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. आप रेसेस कर सकते हो, इन सब में पैसा मिलेगा. स्टंट रेसेस कर सकते हो, असॉल्ट अरीना वॉर्स के मिशंस कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें ग्राइंड करो, इन मिशंस को खेलो और पैसा कमाओ. अब जब आपके पास 1 मिलियन या 2 मिलियन जमा हो जाए, अगर आपके पास प्रीमियम एडिशन है तो ऑब्वियसली बात है आपके पास ऑलरेडी 1 मिलियन मिल चुके होंगे रॉकस्टार की तरफ से. बट अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे कुछ ग्राइंड कर कुरा के किसी तरह पैसे कमा सकते हो. और भी ट्रिक्स बताऊंगा आपको थोड़े थोड़े पैसे और ऐड करने की, $5,000-10,000 किसी तरह जमा कर करके आप बड़ा अमाउंट कैसे बना सकते हो. बट अभी के लिए आगे बढ़ते हैं. तो ये तो था पहला मेथड पैसे कमाने का. दूसरा मेथड ये है, आपके पास होना चाहिए खुद का ऑफिस. गाइस, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे आप बहुत सारे मिशंस ट्राई कर सकते हो. और तो गाइस, ऑफिस वाले मिशंस करने के लिए आपको पब्लिक लॉबी में जाना पड़ेगा. पब्लिक लॉबी में जाने के बाद ही आप इस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो. इस कंप्यूटर में एक्सेस करने के बाद आपको सिक्योर सर्वर का एक्सेस मिल जाएगा. तो अभी एंटर दबाते हैं अपन और अपनी एंटरप्राइज के मालिक बन जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे. तो इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा, हमें क्लिक करना है. अब गाइस, इसमें करना क्या है, ये 3 चीज़ें खुल जाएंगी हमारे सामने. सबसे पहले आपको व्हीकल कार्गो खरीदना है. व्हीकल कार्गो पे क्लिक करेंगे. सस्ती चीज़ नहीं है, इसलिए अपने 1 मिलियन सेव करके रखना. तो गाइस, जो एपिक की तरफ से 1 मिलियन हमें मिले थे वो वाले आपको सेव करके रखने हैं. जिन्होंने खर्च दिए भाई, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इसमें सबसे सस्ता जो व्हीकल कार्गो वाली जो जगह है वो है 1.5 मिलियन की. तो आपको 1 मिलियन मिलने के बावजूद भी आपको 5 लाख और जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ये चीज़ खरीद सकते हो. मैं इसको नहीं खरीद सकता, मैं एक भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है. मेरे पास 1 मिलियन तो है, थोड़े ऊपर भी हैं, लेकिन पूरे 1.5 मिलियन नहीं. पहली चीज़ तो आपको ये खरीदना पड़ेगा, इसके बाद आपके मिशंस अनलॉक हो जाएंगे. ऑफिस वाले ये वाले मिशंस करो, इसमें बहुत पैसा मिलता है और आपका लेवल भी बहुत जल्दी ऊपर बढ़ेगा. ये था दूसरा मेथड कैसे पैसे कमाएं. चलिए तीसरे मेथड पे चलते हैं. तो भाई लोगों, तीसरा मेथड जो है वो है VIP मिशंस का. आप VIP वाले मिशंस करो और उससे भी आप पैसा कमा सकते हो, उनसे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो. और वो वाले मिशंस होते भी बहुत अच्छे हैं. तो उसके लिए गाइज, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कीबोर्ड में M दबाना पड़ेगा. M दबाओ और M दबाने के बाद आप जाएंगे सिक्योर सर्वर में. सिक्योर सर्वर पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर एज CEO करना पड़ेगा. ध्यान रहे, आप रजिस्टर एज CEO तभी कर सकते हो जब आपके पास ऑफिस होगा. अगर आपके पास ऑफिस नहीं है फिर आप रजिस्टर नहीं कर सकते. पहले आपको वो परचेज करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी वैसे तो फ्री मिल रहा है एपिक स्टोर में, लेकिन वैसे उसका बेस प्राइस आई थिंक 1-2 मिलियन के बीच पड़ता है. तो अभी के लिए हम इसको रजिस्टर करते हैं एज अ CEO. और ये रहा, मैं बन गया CEO कल का अड्डा का. तो आगे अपने को क्या करना है, अपने को वापस M दबाना है, सिक्योर सर्वर CEO पे एंटर दबाना है और अपने को जाना है VIP वर्क पे. VIP वर्क पे एंटर दबाना है. और ये जितने भी आप लोगों को मिशंस दिख रहे हैं ना, इनको खेलिए और इनको कंप्लीट कीजिए और पैसा कमाइए. इसमें कुछ मिशंस हैं जो अभी अनलॉक हो रखे हैं क्योंकि मेरी रैंकिंग कम है. जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे GTA ऑनलाइन में, ये वाले मिशंस भी अनलॉक होते रहेंगे. तो मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी मिशंस करो आप हार्ड पे करो यार उनकी डिफिकल्टी, ताकि आपको ज़्यादा कैश मिले. एक चीज़ और कर सकते हो आप पैसा कमाने के लिए, गेम में काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं बट कुछ सिलेक्टेड ऐसी कार्स हैं जिनको आप चोरी करके इस गैराज में बेच दो और आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलता है. मतलब $7,000-8,000 आपको इजीली मिल जाएंगे. मैं ये वाली जीप ट्राई करता हूँ, ये मैंने आज तक कभी बेची नहीं GTA ऑनलाइन में. तो देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं, इसको एक बार अंदर घुसाते हैं और सेल करने का ऑप्शन आएगा तो फटाक से इसको सेल करते हैं. आई थिंक मुझे $2,000-3,000 तो इसके मिल ही जाने चाहिए. बट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आप लोगों को बताने के लिए कि कैसे पैसा कमाया जाए. तो इस पर जाएंगे और इसको कर देंगे सेल. जी हाँ, ये देखिए $3,000 में ये बिक रही है, तो इसको मैं सेल कर देता हूँ. मैंने सड़क से उठाई थी और यहाँ पे आके बेच दी. $3,000, नॉट बैड.
हर 40 मिनट में आप आके यहाँ पर बेच सकते हो। तो ध्यान रहे, जैसी 40 मिनट खत्म हो आप दूसरी गाड़ी चोरी करो और बेच दो। तो ये एक तरह का टाइम लिमिट है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। भाई लोगों, अगला तरीका है इस गेम में पैसे कमाने का, वो है कैसीनो। तो आप ये देख रहे हो, ये है आपका कैसीनो। यहाँ पे आके आप गैम्बलिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और ये वाली कार भी जीत सकते हो। तो मैं अभी चक्री घुमाने जाऊंगा। पिछली बार तो मैं कार जीत गया था, पता नहीं इस बार ये व्हीकल मैं जीत पाऊंगा कि नहीं, बट बहुत तगड़ा व्हीकल लग रहा है यार। स्पिन करते हैं इसको। बहुत ही टट्टी चीज दी है मेरे को। जस्ट अभी मेरे को एक ईमेल आया कि ट्रेजर हंट वाला मिशन मेरे को दिया गया है कि यूज द फोटोग्राफ इन दिस ईमेल टू आइडेंटिफाई दिस लोकेशन। तो जब आप ये छोटे मोटे मिशंस करोगे तो आपको पैसा भी मिलेगा और आपकी आरपी भी बढ़ेगी, प्लस कुछ चीज़ें भी अनलॉक होंगी, जैसे कि स्पेशल गन्स हो गई, उनकी स्किन्स हो गई। तो कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें भी अनलॉक होती रहती हैं। मुझे बोला गया कि मुझे इस लोकेशन पर जाना है और मुझे आई थिंक शायद से कुछ चीज़ मिले या वहाँ पर हिंट मिले या क्लू मिले। तो ऐसे बहुत सारे मिशन हैं जो आप खेल सकते हो, गाड़ियां बूस्ट कर सकते हो, गाड़ियां चोरी करके बेच सकते हो, कैसीनो आके आप गैम्बलिंग कर सकते हो। पूरी की पूरी प्रॉपर गैम्बलिंग होगी अंदर, बट अगर आपको गैम्बलिंग करनी आती है तो ही आप करिए, वरना आप लॉस में चले जाओगे बहुत गंदा। और उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, पैसा आपको काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा चिप्स में, तब जाके आप गैम्बलिंग कर सकते हो अंदर। तो ये थे कुछ मेथड्स गाइस, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बट फॉर बिगनर्स मेरे हिसाब से अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आई थिंक इनफ कैश कमा लोगे कि और बड़ी परचेजेस कर सको गेम में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका स्कल भाई अभी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।